तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सभी काफ़ी बढ़िया होंगे। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर के टूर एस ऑप्शनल वाले वेरिएंट के बारे में। अगर आप एक डोमेस्टिक काम की बात करते हो और इसके अलावा रफ एंड टफ गाड़ी की बात करते हो, और भाई स्पेस तो आपको इस गाड़ी में भर भर के मिलने वाले है, जैसे कि सेडान गाड़ी रहने वाली है। तो आज हम इस गाड़ी की प्राइसिंग की बात करेंगे कि ओवरऑल 2023 में अगर आप इस गाड़ी को खरीदते हो तो आपको कितना कुछ प्राइस देखने को मिल जाता है, और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी इसका टूर एस ऑप्शनल वाला वेरिएंट रहने वाला है। अगर आप में से किसी भी बंदे को अपनी गाड़ी का रिव्यू करवाना हो या कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो तो भाई डिस्क्रिप्शन में मेरी जीमेल है, कॉन्टैक्ट जरूर करें। इस गाड़ी के इंजन की बात करें तो आपको इस गाड़ी में 1197 सीसी इंजन देखने को मिलता है विद 4 सिलेंडर के साथ। जिसमें कि अगर पावर की बात करें तो 81 BHP 6000 RPM पर, वही टॉर्क की बात करते 113 Nm टॉर्क 4200 RPM पर। इसके अलावा आपको इस गाड़ी में 5 सीटर की सीटिंग कैपेसिटी का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम इस गाड़ी के माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में कंपनी क्लेम करते हैं इसका 20 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से। इसके अलावा इस गाड़ी के फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको इस गाड़ी में 45 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम इस गाड़ी के बूट स्पेस की बात करें तो आपको इस गाड़ी में 320 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाने वाला है। इसके अलावा अगर हम इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, जो कि काफ़ी मैटर करता है सेडान के लिए ग्राउंड क्लियरेंस, तो आपको इस गाड़ी में अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। लगभग 170 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। वहीं इस गाड़ी के कर्व वेट की बात करें तो आपको इस गाड़ी में 945 kg का कर्व वेट देखने को मिलता है। ये सब तो इस गाड़ी की नॉर्मल चीज़ है। अगर हम इस गाड़ी के कुछ फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स की तरफ बात करें तो जैसे कि ABS, EBD, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, कीलेस एंट्री, स्पीड अलर्ट, क्रैश अलर्ट, हिल असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, टच स्टीयर, जिसमें आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, जैसे कि माइलेज वगैरह आपका कितना निकल गया है और ट्रिप वगैरह आप अपने रिसेट कर सकते हो। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए इस गाड़ी के प्राइसिंग की बात करते हैं कि जो स्विफ्ट डिजायर का टूर एस ऑप्शनल वेरियंट है, मतलब बेस वेरियंट, वो आपको ऑन रोड कितने का देखने को मिलता है अगर आप इस गाड़ी को अभी 2023 में खरीदना चाहते हो तो, जो कि आपको ऑन रोड पड़ता है 7,05,000। और इसके अलावा अगर आप इस गाड़ी को फाइनेंस करवाने की सोच रहे हो तो आपको 1-1.5-2 लाख रुपये भी महंगी रहने वाली है, वो आपका फाइनेंस प्लान के ऊपर डिपेंड रहने वाला है। बात करें स्विफ्ट डिजायर का टूर एस वेरिएंट आपके लिए कितना वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहने वाला है। अगर हम बात करें सिंपल से लॉजिक में, जैसे कि मैंने शुरू में बोला था, अगर आप इस गाड़ी को डोमेस्टिक काम के मामले में यूज़ करते हो या सवारी ढोने के मामले में भी यूज़ करते हो तो भाई 7 लाख में मेरे हिसाब से तो आपके लिए भाई काफ़ी बड़ी ऑप्शन रहने वाला है। अगर आप एक नॉर्मल स्विफ्ट भी लेने आते हो इसका VXI वेरिएंट तो आपको 7.5 लाख का पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर आप इस गाड़ी का सेडान के हिसाब से देखते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहने वाला है, बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड रहने वाला है। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और जो कमेंट सेक्शन है आप सभी के लिए खुला है, डू कमेंट एंड लेट मी नो कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप में से किसी भी बंदे को अपनी गाड़ी का रिव्यू करवाना हो या कुछ भी इन्फॉर्मेशन चैनल पर शेयर करनी हो तो भाई डिस्क्रिप्शन में मेरी जीमेल है, कॉन्टेक्ट जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।